ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गहलोत सरकार जुटी है पांचवें बजट की तैयारी में। सीएम गहलोत कर लेंगे सिविल सोसाइटी सदस्यों के साथ बैठक। शाम 4 बजे सीएमओ में बैठक प्रस्तावित है। बजट को लेकर सीएम सिविल सोसाइटी के सदस्यों से सुझाव लेने वाले। तो बड़ी खबर जयपुर से एक खबर है, गहलोत सरकार जुटी है पांचवें बजट की तैयारी में। सीएम गहलोत कर लेंगे सिविल सोसाइटी सदस्यों के साथ ये बैठक। शाम 4 बजे सीएमओ में बैठक प्रस्तावित है। बजट को लेकर सीएम सिविल सोसाइटी के सदस्यों से सुझाव लेंगे। अर्ली बजट की बात भी की जा रही थी, पर वहीं ऐसे में ये बजट आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम इसके अंदर आप देखेंगे वो रणनीति रहेगी बजट के अंदर, जिसके माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिले, और यही वजह ये बजट काफी ज्यादा लोकलुभावन भी हो सकता है। तो गहलोत सरकार जुटी है पांचवें बजट की तैयारी में। सीएम गहलोत कर लेंगे सिविल सोसाइटी सदस्यों के साथ बैठक। आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी जब बजट घोषित किए गए तो अलग अलग सोसाइटी के लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उनके सुझाव जाने, उनकी क्या मांग है, उनकी क्या मंशा है, इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर के चर्चा का दौर रहा था। अब एक बार फिर से इस तरीके की चर्चाओं का दौर आपको देखने को मिल सकता है। अब इसी बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, बैठक को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, और मान के चले कि जो ये बजट होगा काफी ज्यादा लोकलुभावन होगा। देखिए, ये इस सरकार का आखिरी बजट है। प्री बजट मीटिंगों का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है, और सबसे पहले सिविल सोसाइटी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सीएम बातचीत करके, क्योंकि अब बजट की ये परंपरा हो गई है कि बजट चूंकि जनता के लिए बनाया जाता है तो आम जनता की राय उसमें, आम जनता के जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी राय ली जाए। तो ऐसे में ये एक दौर जो है वो शुरू हुआ है। तो ये इसको लेकर कल प्री बजट मीटिंग है, और ये माना जा रहा है कि सीएमओ में होगी, और शाम 4 बजे सीएम गहलोत जो प्रतिनिधि हैं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, उनके पास ये बैठक का नोटिस भेजा जा चुका है। और इसमें जो सुझाव होंगे उसको किस तरह से समाहित किया जाता है बजट में, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि सिविल सोसाइटी की अपनी चिंताएं हैं, खासतौर पर जो जवाबदेही बिल है उसको लेकर और अन्य कारणों से को लेकर जो चिंताएं हैं उनको लेकर यहाँ पर बात सामने आ सकती है। और इसी के साथ ही जो महिला जो सुरक्षा को लेकर या अन्य जो सक्रिय संगठन है उनकी बात यहाँ पर सीएम बात करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे और किस तरह से उसको अकोमोडेट करेंगे बजट में, यह कहने ये सोच देखने वाली बात है। बिल्कुल, और ऋतुराज मान के चले कि आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके की कुछ और बैठकें भी रहेंगी। बिल्कुल, प्री बजट का बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और सिलसिला शुरू होने के साथ जैसे कृषक कल्याण वर्ग है, युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, और तमाम तरह के जितने भी हितधारक हैं उन स्टेक होल्डर्स से यहाँ पर बातचीत करके सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल, और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बजट बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसमें वो तमाम कोशिशें रहेंगी कि आम लोग जो हैं उनकी जो मंशा है बजट को लेकर, जो उम्मीदें हैं वो पूरी की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।